हरिओम। आज हम जिस आसन के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है भुजंग आसन, जिसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। और यह पीठ दर्द, कमर दर्द और बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसको किस तरीके से करते हैं यह जानने से पहले हम इसे कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो पहला तो ये है कि इसको खाली पेट ही करना चाहिए। अगर आपका सिर दर्द हो रहा है उस दिन आपको यह आसन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो पेप्टिक अल्सर वाले रोगियों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर पेट में दर्द हो या गर्दन में दर्द हो या जिस दिन आपका कमर या पीठ में दर्द हो रहा हो उस दिन भी यह आसन नहीं करना चाहिए। कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें कि कलाई की नस दब जाती है और हाथों में सुन्नता आ जाती है, उन लोगों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर या हाइपरथायरॉयडिज्म के जो मरीज हैं उनको यह योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही यह आसन करना चाहिए। तो जानेंगे यह आसन कैसे किया जाता है, भुजंग आसन। सबसे पहले हम बैठक स्थिति की विश्रांति अवस्था में आ जाएंगे। बैठक स्थिति की विश्रांति अवस्था में थोड़े पैरों को थोड़ा अपने दूर रखते हैं, यह रिलैक्सिंग पोजीशन है। इसके बाद हम इसको धीरे से हम अपना एक करवट बदल करके अपने पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आने पर इसमें मकर आसन की विश्रांति अवस्था, जिसमें हील्स इनसाइड होती है, टोज आउटसाइड होते हैं, पाम फेसिंग सीलिंग और चीक ऑन द फ्लोर। अब हम भुजंग आसन के लिए तैयार होने जा रहे हैं, जिसमें हम दोनों पैरों को मिला रहे हैं और फोरहेड ऑन द ग्राउंड, फोरहेड को ग्राउंड पर और हाथों को साइड में, पूर्व स्थिति। इसके बाद हम धीरे से अपने हाथों को स्लाइड करते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे। इसके बाद हम धीरे से अपने सबसे पहले हेड, नोज और फिर इसके बाद चिन को धीरे धीरे करके और बाद में चेस्ट को धीरे धीरे करके ऊपर उठाएंगे। एक बार इस स्थिति में स्टेबल हो जाने के बाद हम धीरे से अपने हैंड्स को भी ऊपर उठाएंगे। आईज क्लोज कर लेंगे ताकि हमारे फॉरहेड पर रिंकल नहीं पड़े। स्माइल करते हुए और ये जो हमारी एल्बो है वो पीछे की तरफ जाएगी, जिससे हमारी चेस्ट एक्सपांड होगी। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम इस स्थिति में रहेंगे। ब्रीदिंग कंटिन्यू रहनी है। अब धीरे से हम अपने हैंड्स को सबसे पहले जमीन पर लाऊंगी, फिर फॉरहेड को ग्राउंड पर लाऊंगी। इसके बाद हैंड्स को स्लाइड करते हुए अपने शरीर के बाजू में और फिर मकर आसन की विश्रांति अवस्था, हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड, फॉरहेड, चीक ऑन द ग्राउंड। ये हमने देखा कि भुजंग आसन को कैसे किया जाता है। अब हम जो इसको जब भुजंग आसन हम करते हैं तो कई गलतियां हमारे से हो जाती है, उसको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें भुजंग आसन का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। पहला तो ये है कि जब आप भुजंग आसन करते हैं तब उस टाइम पे जब आप ऊपर उठते हैं तो आप हमारे जब इस तरीके से जब आप ऊपर उठ रहे हैं ऐसे, तो आपको ये हाथों के बल नहीं उठना है। आप जो है अपनी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, छाती के बल होंगे, हाथों पे जो है अतिरिक्त दबाव नहीं आना चाहिए। इसके अलावा हमारे को सांस लेते रहनी है। अंतिम स्थिति में अपनी आंखें बंद रहेगी ताकि फोरहेड पर अननेसेसरी रिंकल नहीं पड़ेंगे और आईज पर प्रेशर नहीं आएगा। और ये जब हम पीछे झुकते तो एकदम झटके से ऐसे नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे करना है, क्योंकि हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी होती है वह बहुत ही वर्टिब्रा से, छोटे छोटे वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है। ये तो हमने देखा कि हमारे को कई गलतियां जो है भुजंग आसन में करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसके लाभ पे आएंगे कि भुजंग आसन से करने से हमारे को क्या लाभ है। सबसे पहले तो यह पाचन में बहुत ही फायदेमंद है, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जब हम इसको करते हैं तो पेट पे जो प्रेशर पड़ता है उससे जो ऑर्गन्स हैं
वह उनकी अच्छी खासी मसाज हो जाती है। इसके अलावा यह साइटिका के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है हमारा, वैसे हमारी प्रवृत्ति ऐसे झुककर होने की होती है, पर हमारे इसके अंदर जब हम करते हैं तो हमारी जो बैकबोन है इस तरीके कर्व शेप ले लेती है। इस आसन को करते समय जब अपने गले को इस तरीके से जम करके करते हैं तो गले के खिंचाव के कारण जो उसमें अननेसेसरी जो ब्लड जो है जमा होता है वह भी अतिरिक्त संचय नहीं होता है। इसके अलावा यह हमारे तनाव के लिए यानी स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि इसको करते समय हमारे एड्रिनल ग्रंथि जो एक्टिवेट हो जाती है, और यह श्वसन तंत्र के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम इसको ऐसे करते हैं भुजंगासन तो हमारे जो लंग्स एक्सपांड होते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो भुजंगासन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, और इसे हमारे को हमारे नियमित आसन में जरूर शामिल करना चाहिए। आलस दूर होता है, प्रसन्नता आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। धन्यवाद।